सो हाय एवरीवन, अभी हम जा रहे हैं अपनी राइड के लिए। ये मेरे साथ राइडर हैं, ये बीच में मेरी उड़नचू खड़ी, और ये मेरी फ्रेंड, और ये मेरा दोस्त, ये हमारे ग्रुप का एडमिन भी है, और ये भी मेरा दोस्त है। ये मेरी वीडियो शूट करने के लिए जा रहा है साथ में, और ये ज़्यादातर ये कम ही जाता है शूट पे, बट ये आज मेरी वीडियो शूट करने के लिए जा रहा है। और अब हम निकलेंगे यहाँ से भाई सीधा एम्बियंस मॉल, और एम्बियंस मॉल जाएंगे पहले, फिर वहाँ से वैसे कल रात डिसाइड हो गया था हमें कहाँ जाना है, और बट यहाँ से पहले अभी और ग्रुप फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। इस तरीके से काफिला बनाते हैं हम लोग गाइस, काफिला। तो भाई ये देख लो ग्रुप हमारे, ये हैं एक बाइक यहाँ खड़ी, एक बाइक ये खड़ी, ये दोनों पिकाचू मैन खड़े, ये खड़ी बाकी बाइक के सारी। इस बार तो हमारे साथ फीमेल राइडर्स भी हैं भाई, दबा के। मैं खुद एक अपनी फ्रेंड लेके आया हूँ, एक बंदा और अपनी फ्रेंड लेके आया, और एक दो बंदे अपनी फ्रेंड्स लेके आने वाले। तो देखो जमावड़ा लगा हुआ है तुम्हारे भाई ने, बढ़िया। एक नंबर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया टाइम से पहले। मोटो ब्लॉगिंग के बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा तुम लोगों को, साथ बने रहो बस तुम लोग। तो भाई ये देखो राइडर्स का टोरा, सामने अपनी पूरी गैंग जा रही है भाई साहब, एक से एक भर्ती पड़े हैं अपनी गैंग में। अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा कवर अप ले लूँ आगे तक। अरे यार, एक तो ना बहुत टाइम बाद बाइक चला रहा हूँ ना, तो भाई थोड़ी सी ना स्पीड नहीं बन पा रही अपनी। वो देखो ये है भाई अपनी पूरी गैंग अभी जा रही है। ये चार पांच लोग आगे हैं, वो दो चार ये रहे, दो उससे आगे जा रहे हैं, दो तीन पीछे भी आ रहे हैं। एम्बियंस मॉल वाले रोड पे कैच द मीटर, ओ पकड़ के बैठना। लो भाई फाइनली अपने अड्डे पे आ गए हम लोग। बड़े यूट्यूबर क्या हाल है? जय श्री राम भाई। ये हम पहुंच गए फाइनली अपने ठिकाने पे, अड्डे पे। ये तुम्हारे भाई की खड़ी, ये पूरा अपना ग्रुप है अभी अभी की डेट में, फिलहाल पूरा का पूरा अपना ग्रुप है। अभी तो और बढ़ने वाले हैं, ये तो 6:15 हुए हैं, हम थोड़े लेट पहुंच गए, बल्कि बहुत टाइम है अभी। तो भाई अब हम निकलने की तैयारी में हैं, ये मेरे दोस्त हैं दोनों के दोनों, और अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में। लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ मेरे मोबाइल और उसके साउंड ने हमें दे दिया है धोखा, पीछे से आ गई पुलिस जिन्होंने हमें जाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि और थोड़ी देर हम यहाँ पर रुकते तो ये चालान काटने लग जाते या ऑनलाइन चालान भेजने के लिए मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचने लग जाते। लेकिन हमने ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ से निकल लिए हम। मेरे मोबाइल को
अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद से इसने साउंड रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया, जो कि मुझे घर आने के बाद पता लगा, और करीबन 60 से 70 क्लिपिंग मेरी जो है वो ख़राब हो गई हैं। तो आगे से आपको ये कैसे ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे बाइकर्स ग्रुप को लेकर है। अभी देखो, हमारे बाइकर्स ग्रुप के अंदर हम जब शुरुआत में ऐड ऑन हुए थे तो करीबन 8 से 9 लोग थे, लेकिन अभी एक महीने बाद मैं देख रहा हूँ हमारे ग्रुप के अंदर 30 से ज़्यादा बाइकर्स हैं। अब जब भी आप अपने ग्रुप में 10 से ज़्यादा बाइकर्स ऐड करोगे तो आप एक चीज़ देखना शुरू कर दोगे, आपके साथ हर कोई कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं होता है। यानी कि 10 प्लस बाइकर्स जहाँ पर लाइन लगा देंगे वहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कमी आनी शुरू हो जाती है। यानी कि 8 से 10 राइडर तो आप आराम से हैंडल कर लोगे, लेकिन जैसे ही 11 12 15 राइडर्स हो जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिलेगा उस बाइकर में, उस राइड ग्रुप में, जिसमें आपको वो आपको कोऑर्डिनेट करने से मना कर देगा। वेल गाइज, अभी तो देखो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, जो कि हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो टोल है, और हम ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे टोल पे पहुँच भी गए हैं, है ना। टोल पे पहुँचने के साथ साथ अब मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लेरिफाई करूँगा जिससे आपको समझ में आएगा, कभी भी अगर आपको राइडिंग का ग्रुप ज्वाइन करना है या ग्रुप बनाना है तो क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ पे जितने लोग आपको दिखने वाले हैं ना, ये इनमें से ये आधे भी नहीं है, या लगा लो 1/3 हैं ये लोग, या 1/3 नहीं है, आधे ही होंगे, इससे ज़्यादा अभी कुछ आगे निकल गए कुछ पीछे, जिन्हें स्टॉपेज पता नहीं था कहाँ है वो आगे निकल गए, और कुछ लोग अपनी मर्जी से पीछे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल के पचगांव पहुँचे हैं, तो पचगांव का जो रेस्टोरेंट है भाई, वहाँ पे हम यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे थे। हम एक बंदा गेट पे भेज दिया था फ़ोटो खींचने के लिए, तो वो आया है फ़ोटो वो वीडियो बनाने के लिए, एक बंदा हमने आगे भेजा। और साथ ही साथ बस यही है यार, ज़्यादा ग्रुप होने से ना कोऑर्डिनेशन में कमी हो जाती है। अब यहाँ पे भी हमको करीबन आधा घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आगे चले गए थे। यानी कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी कोऑर्डिनेशन में कमी आनी शुरू हो जाएगी, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर ग्रुप छोटा होगा कोऑर्डिनेशन में बहुत। वो देखो सामने कुछ बाइकर्स आ रहे थे, अभी देखो इसके अंदर हमारे जो बाइकर्स हैं वो कुछ फ्रंट में खड़े, कुछ मेरी लाइन में खड़े हैं, कुछ मेरे से पीछे खड़े हैं। तो ये हम करीबन आधे घंटे वेट करने के बाद हमने पचगांव रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री मारी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कोऑर्डिनेशन में कमी, तो भाई कोऑर्डिनेशन में कमी या तो तुम्हारा ग्रुप लीडर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपके ग्रुप में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, नहीं तो भाई देखो मैं इतना जानता हूँ कि 10-12 राइडर्स को संभालना इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। वेल, हमने जैसे तैसे वेट करके और थोड़ा बहुत तू मैं करके पचगांव रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री मारी, तो वहाँ पे हमारा लीडर क्या कर रहा था, पहले जाके अपनी बाइकें पार्क कर चुका था जहाँ पे नो पार्किंग लिखा हुआ था। फिर हमारे ग्रुप के लोगों ने उसे बताया कि भाई यहाँ नो पार्किंग है, तो देखो उसने क्या किया, उसने वो नो पार्किंग का बोर्ड ही उठाकर दूसरी जगह लगा दिया। भाई ये इन चीज़ों में तो लीडरशिप दिखा दी, लेकिन जब ग्रुप में लीडरशिप दिखाने की बारी आती है तो मुझे नहीं पता कैसे क्या हो जाता है, तो कुछ टाइम में ये लीडरशिप काम नहीं करती है। वेल, मैंने अब अपना कैमरा पकड़ा दिया है अपने दोस्त को, और मुझे यहाँ पर भी नहीं पता लग रहा था कि साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने गलती कर दी चेक ना करके। तो हम हंसते खेलते मस्ती करते हुए, बहुत सारी मस्ती करते हुए यहाँ से अंदर की ओर जाते हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आधे घंटे हमने बाहर मस्ती करने के बाद अंदर जा रहे हैं। बाहर तुम्हारे भाई ने एक अच्छा मीम भी बना दिया था, शेरी कह दे भाई, ये वाला एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो इन्होंने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया ये करने के लिए। तो फिर तुम्हारे भाई ने बाहर लेट कर ही शेरी कह दे इसे कब एक वो जो वायरल वीडियो थी वो बना दी मैंने इनके लिए, तो इन बहुत सारे लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया है। और मैं ये वीडियो अभी एडिट कर रहा हूँ तो मेरे पास वो क्लिपिंग आई नहीं है, सो दैट मैं इसको उस क्लिप को ऐड ऑन नहीं कर सकता। हाँ, अगर पॉसिबल हुआ तो उसको मैं बाद में ज़रूर एडिट कर दूंगा। फिर हम लोग बैठ गए थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए, तो मेरा ये पचगांव रेस्टोरेंट जो था वो फर्स्ट टाइम था, तो मैं वहाँ का पराठा ज़रूर ट्राई करता, क्योंकि आज से पहले मैंने जितने भी पराठे खाए हैं उस एमरिक सुखदेव मुरथल में खाए हैं, तो यहाँ का एम्बियंस भी मुझे बहुत सही लगा। अब देखो हमारे सामने पराठा आ ही गया था, तो हमने सोचा चलो इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, और टेस्ट कुछ खास नहीं, मतलब जो सुखदेव का पराठा था उतना खास टेस्ट नहीं था। फिर हम लोगों ने करीबन 3 से 4 घंटे यहाँ टाइम वेस्ट और मस्ती करने के बाद अब हम निकल गए हैं फाइनली अरावली के लिए। यहाँ से हमारा जो डिसाइड हुआ अरावली जाना, और ये रास्ते में हमें कुछ बच्चे मिले जिन्होंने मेरे पिकाचू हेलमेट को और मेरी दोस्त के बनी हेलमेट को देखकर ये रिएक्शन था इन बच्चों का, और इनके साथ थोड़ा हंसी मजाक मस्ती करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की ओर निकलते हैं। फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और हम निकलते हैं अपने रास्ते यानी कि अरावली की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो आप अपना रास्ता भी इंजॉय कीजिए,
और साथ ही आप दो तीन चीज़ों को समझिए कि अगर आप एक राइडर बनना चाहते हैं या फिर एक मोटो ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो एक ग्रुप होना तो देखो कंपलसरी है, वो तो तय है, चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि ग्रुप कैसा हो। गाइस, ग्रुप सबसे पहले आपको ऐसा चुनना है जहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि कम लोगों का ग्रुप चुनना है बॉस, ग्रुप तो बड़े लोगों का ही चाहिए और ज़्यादा लोगों का ही चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोऑर्डिनेशन किस तरीके का होना चाहिए। देखो, बीइंग अ राइडर, मेरे को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होने के बावजूद भी मैं सिर्फ एक महीने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर तुमने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप के बहुत सारे नियम होते हैं, उन्हें फॉलो करो। उसमें से दो तीन चार नियम जो मुझे पता लगे हैं इस ग्रुप में रह कर, जो बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते नहीं हैं बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो वो समझ लो आप। पहला ग्रुप का नियम होता है कि आप अपनी बाइक को जो है वो क्यू में चलाएंगे, लाइन में चलाएंगे, लाइन से आउट नहीं जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जो पूरा ग्रुप है वो लेफ्ट में चल रहा है तो आपको लेफ्ट में ही चलना है, अकेले ग्रुप से हटके नहीं चलना है। दूसरा नियम है, आप अपनी जो राइडिंग गियर्स हैं ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल हो सके वो आप रखो। देखो, मेरे पास भी अभी ज़्यादा नहीं है, जितने मैं ले पाया, लेकिन आप अपने राइडिंग गियर्स को आप अरेंज कर सकते हो। तीसरा भाई, राइडिंग ग्रुप का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बड़े ग्रुप्स में ये होता है कि एक बड़ा ग्रुप अच्छा खासा आगे रहता है, एक बड़ा ग्रुप अच्छा खासा पीछे रहता है और बीच में जो नए लोग होते हैं वो लोग रहते हैं, तो भाई सबके सब कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है, हमेशा अपने ग्रुप के बीच में रहना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, लीडर की इज्जत करो, क्योंकि वो बंदा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, सारी चीज़ें बताएगा। तो अगर आप भी एक नया ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, तो बस यही बोलूँगा कि आप अपने ग्रुप में रहकर अपने ग्रुप लीडर की इज्जत करो, उससे सीखो, उसके साथ ही आगे बढ़ो। खैर, मैं तो आने वाले टाइम में हो सकता है अपना खुद का ग्रुप भी बना लूं, क्योंकि इस ग्रुप में मैं ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मनमर्जी का सब कुछ करते हैं लेकिन जब हमारी बारी आती है तो मैं भी मना कर देते हैं। तो मैंने सोच लिया है कि आइंदा अगर ग्रुप में जाऊंगा तो अपने से ज़्यादा मतलब रखूंगा। और अब खैर, हम यहाँ पर फोटोशूट करने के लिए रुके हैं, तब तक के लिए बाय बाय।